दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के तीसरे यानी अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है, जिसमें हजारों लोगों को टीका लगाया गया है। कई देशों में तो सरकार के मंत्रियों ने भी वैक्सीन की डोज ली है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। शनिवार को यहां के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल ओवेस ने भी कोरोना वायरस का टीका लगवाया। उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के सकारात्मक नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। दरअसल हाल ही में यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे पहले अधिक जोखिम वाले लोग जैसे कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने की अनुमति दी थी। संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य मंत्री को जिस वैक्सीन की डोज दी गई है उसे चीन की फार्मा कंपनी सिनोफार्मा ने विकसित किया है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल यूएई में चल रहा है, जिसमें 120 देशों के करीब 31,000 वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है उनमें गले में खराश जैसे हल्के लक्षण दिखे हैं। इसके अलावा वैक्सीन लेने वाले में सामान्य मौसमी फ्लू जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। संयुक्त अरब अमीरात में वैक्सीन के तीसरे चरण के मुख्य जांचकर्ता डॉक्टर नवल अली काबी का भी कहना है कि वैक्सीन लेने वालों में कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखे है। सिनोफार्मा कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ग्लोबल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कंपनी के चेयरमैन लियू जिंग जेन ने बताया था कि उन्होंने खुद इस वैक्सीन के दो डोज लिए हैं और अब तक उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट महसूस नहीं हुआ। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।